राम 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 आओ जी तो और छोरा सर जी तो नहीं करनी निकाल सर ठीक सर सर आज कल उदास उदास क्या रहे हो जो चीर गौर जे नो टमाटर कर जा किल्लत लाग दी कीड़ा लाग दी हाँ ए भी को जब मिर्च जब टमाटर मर्ची बाय सो जब छोटी छोटी कीड़े लाग गए टमाटर मिर्ची के काय फायदे कौन मिले फिर भी निवास से ले दो दे तो भी कौन फायदे मिले अशान का कीड़ा मारे खेत में लग गया जो मारे बीच ये समस्या ता खेत में कीड़ा लाग गया तो थे काय करे के बीमारी दूर करवा के लिए पीली और सफेद बोतल लगाई जो आ तो मगर खाना खाओ ली तड़का और समझा जल्दी थी ठीक तो तुम चलो जो राम 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 आ नगर ए सी आर पी महिला आई थी सब्जी के बारे में बता गई थी कि छोटे छोटे कीड़े लग जाओ सब्जी के बारे में बता गई चून वो के बारे में दुआ भी बता गई थी सुस्ती विचार और अच्छी भी काय ये सु काय फायदा हो ना कड़े कसी लुगाई बखवा मागी हाँ तो घना धना खेती कर रहे हो काय भी कौन है भाई नव ऐसो मन घना धना के खेती करता काय भी कौन मटे ऐसो किटानु किटानु कोई फायदा कौन मला पाने ऐसो राम राम बैठ जाओ कल माई जी बेटा घर वाली ने बता रही थी घर वाली भाई मां साग सब्जी में छोटे छोटे कीड़े लग गया तो मैं उपचार बता गई थी तो कहीं उपचार के बारे में कहीं सोचे थे इस दवाई के बारे में कोई जानकारी कौन है और मैं तो इन कखेत हम देखे भी उन्हें ये शैन को प्रयोग करता हूँ भाई ते बाजार से लिया दवाई यार छिड़क जाए जहाँ से कम खर्च हो जाए मैं बताऊ ना जी एक बार उपयोग कर देखो कम खर्चा इन केयर कम खर्चा तो मैं तो कहा समझोगा ना का फायदा चाहिए मैं भाई गए साल मारे भी खेती बाड़ी में हमें शान का छोटे छोटे कीड़ा लग गया था जो फिर मैं भी पीली और सफेद कलर की बोतल का उपयोग करी जो कीड़ा में बड़ा फायदा मुझे साल सब कम लगे कीड़ा कह रहे थे तो सही जाए पर इन का सामान लग लो इन क्या नाने लगानी चाहिए ये बीघा का अंदर 30 बोतल लगानी चाहिए 30 बोतल लानी चाहिए और 30 लकड़ी लानी चाहिए एक कलर की डब्बी और पुराना 1 किलो गिरिस लानी चाहिए वह अपना शान की 30 बोतल लेनी चाहिए जो 15 तक शान पीड़ा कलर से रंगनो चाहिए और 15 ने शान की रहना रखनी चाहिए वह अपना शान की 30 लकड़ी लेनी चाहिए और फिर अपने जार गेहूं टमाटर चाहिए वह स्वाद दा एक फीट बड़ी लेनी चाहिए वह अपना शान की 1 किलो ग्रीस लेना चाहिए अगर घर में पुराने हों तो पुराने उपयोग कर लीजिए खर्चों कम होगा तो यो चाहिए रंग को डब्बो और अपन 30 बोतल जम सु 15 रंगनी चाहिए पीला कलर से अपन 30 बोतल जन 30 में से 15 का जन पीला कलर से रंगनो छे और फिर बाद में थोड़े सुखाने जो थोड़ी देर फिर सूख के बाद में ग्रीस लगा दो पूरी 30 ना गई फिर ग्रीस लगावे के बाद में वहां पे जब कीड़ा जन कीड़ा चिपक जावला ये बताया जे बात तो ठीक छे आपा बार खेत में चार देख लेना चल बहुत अच्छी बात छे तो खेत में लगाऊं ला चार चलो चल खेत में चला आवा उंदर लगा देख लेना दो तले फिर आप ये लकड़ी ले लिया आज का महीने और फिर लकड़ी ले रहे हैं खड्डों को धंधा बनाऊंगा गाड़ी गाड़ी नीचे लकड़ी नहीं ताकि तेज हवा हो ना जैसे गिरनी नहीं चाहिए और खाड़े को तो क्यों अभी हम गाड़ी गाड़ नहीं है अति गाड़ी गाड़ी जब एक गाड़ी हवा हो ना जैसे गिरनी नहीं चाहिए अगर की फिर ये पीड़ा कदर की बोतल जन इन्हीं का अंदर जन ताक फिर पीली के पाचा बस सफेद बोतल ले ना एक 20 फुट की दूरी पे सफेद बोतल ने डंडा ने काटना
20 फुट की दूरी पीली के बाद में 20 फुट की दूरी पर सफेद में गाड़ना ये पीली बोतल चाहिए के बाद 20 फुट की दूरी पर अपन सफेद बोतल लगानी जो फिर गाड़ी और फिर बाद में सफेद बोतल लगानी है फिर भी सफेद के बाद फिर 20 फुट की दूरी पर अपन पीली लगानी जो किसान कर पीली के बाद सफेद सफेद के बाद पीली है जन लगानी 20 फुट की दूरी अपन यहाँ की काय काय बातें की सावधानी रखने जाएं ज्ञान वाणी काय करने जाएं ज्ञान वाणी काय अपन बोतल लगाते समय चंद चार बताऊं ध्यान रखनी चाहिए पहली बात बोतल को ग्रीष्म सूखनी चाहिए और दूसरी बात बोतल पहली पीली फिर बाद में सफ़ेद फिर पीली फिर सफ़ेद यानी करवाणी लगानी चाहिए तीसरी बात बोतल में ये एक बोतल लगा दूसरी बोतल 20 फुट की दूरी पर लगानी चाहिए चौथी बात फसल की फसल सो जत्ती और फसल जनो सो आधा फीट ऊंची रखनी चाहिए लकड़ी ने और जो जो फसल बत्ती जाओ ना आपने जैसे ही लकड़ी ने बदा बदा ऊंची कर कर बोतल ने टाकनी चाहिए जे बताते बताया जे ये बहुत अच्छे तरीको से ये के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ और मैं और किसान भाइयों को भी इस बात के लिए जागरूक करूँगा इसको बढ़ावा देने के लिए बोलूँगा ठीक है तो फिर मैं चलू चलो राम राम ये जो पीली और सफ़ेद रंग के जो हमने बोतल ली है इस बोतल से हम जो कीड़े हैं उनको बहुत हद तक हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं और जो पीले कलर की तरफ जो कीड़े आकर्षित होते हैं तो वो कीड़े क्या है जब ग्रीस लगा होता है तो ग्रीस पे चिपक जाते हैं वो कीड़े और जिससे कि हम बहुत अच्छी तरीके से उन कीड़ों की रोकथाम कर सकते हैं लोग जो है कम पैसों में बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं इसमें लागत बहुत कम है और कम लागत में आपके कीड़ियों का जो नियंत्रण है वो हम काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पीली और सफ़ेद जो बोतल हैं इनका उपयोग करें कीटनाशक के लिए क्योंकि ये जो है जो हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं उसकी जगह ये देशी तरीके से इन पीली और सफ़ेद प्लेट्स के जरिए हम कीड़ों की रोकथाम कर सकते हैं खास तौर पे हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो समूह की महिलाएं इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि वो बचत के पैसे को किसी और यूज़ में ले सकें